we are feeling very good. Okay, this is only to make us very excited about the future that we will have, guys. सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड सुबह सुबह हमारी जो हाँ जी बताता हूँ कि क्या है मैटर. जैसा कि आप लोगों का कुछ व्लॉग्स आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमारे जो दिन की शुरुआत होती है 5:30 बजे 5:30 में हमारा दिन की शुरुआत हो जाती है. सो क्या है कि हमारे एक मित्र हैं जो कि हम चले गए थे जब गांव, तब हमने उनको साइकिल दे दिया था कि आप चलाना, तब तक आप चलाना. तो अब क्या होता है कि अब मेरे को ज़रूरत है साइकिल की, तो अब हम जा रहे हैं उनसे ले लेते हैं. और डे टाइम में क्या होता है कि ऑफिस में रहते हैं तो हम ले नहीं पाते, जिसलिए मॉर्निंग में सोचे कि उनको भी जगा के रखें, वो भी जगे हुए हैं हमें साइकिल देने के लिए. तो अभी जाते हैं जल्दी उनसे साइकिल पिक करते हैं एंड वापस घर लेके आते हैं. ये जो पीछे भाई साहब, इसको तो रात भर नींद आती ही नहीं है. व्हाट्सएप पे बताया था ना, एक ग्रुप बन रखा है, वो हमारे कूल डूड एकेडमी करके है, जिसमें आपको हर चीज का डिटेल, क्रिकेट का हो गया, आपको बैडमिंटन का हो गया, अभी रिसेंटली में साइकिल का भी होगा. If you're feeling this, never let me go, boy. And if you love me, there's always a time, the time. So guys, हमारी साइकिल मिल चुकी है एंड दिक्कत ये है कि एक पैडल जो है ना साइड वाला, वो पैडल ना उसका निकल रखा है. तभी शिवम अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, एक ही पैडल मारेगा और एक ही पैडल से ये घर तक पहुंचा देगा, आई होप सो. बाकी तो हमारा सौरभ है, जैसे ही वो थक जाएगा तो सौरभ चला लेगा. यार अभी ही निकले, एक पैडल से होगा नहीं ना, आगे भी तो आना चाहिए पैडल. क्या चाहिए पैडल आगे भी तो? देख एक बताता हूँ तेरे को कैसे, एक जैसे पैडल नीचे घुमाएगा ना, उसके बाद उसी से ऊपर कर दे. मारा एक पैडल, हमारे हाथ में आ चुका है. शिवम देखो, पकड़ लो भाई. चावास उसको डबल पैडल किया. अब ये पक्का देखना, ये बोलेगा कि वो टोचन कर दो इसको, पीछे से रस्सी उस्सी बांध दो. हाँ शिवम, रस्सी नहीं है. देखो बोला था ना रस्सी रस्सी का, चल देखते हैं रस्सी है कि नहीं गाड़ी में. Life away, well that's fantastic. Nothing or something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done. It never ends, you having fun. हो जाएगा? हाँ हो जाए. जुगाड़ है, इंडिया में जुगाड़. ये देखो ये जुगाड़ देखो इसको, ये यहाँ पे रस्सी बांध दिया है एंड एक ये हॉकी का स्टिक है भाभी का. तेज मत कर देना वरना मैं चला जाऊंगा. नहीं नहीं तेज नहीं करूंगा. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है. सो एट लास्ट हम अपना साइकिल ले ही आए, कैसे भी जुगाड़ जुगाड़ करके. अब इसको ना एक बार साइकिल रिपेयरिंग वाले को देना ही पड़ेगा, वो अच्छा खासा लाइक ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है. हां पाइल्स के नहीं होते पेशेंट, उनको भी तो दर्द होगा जो आज दर्द हुआ है. सो आज पापा का स्पेशल लाइक टी प्लस कॉफी मिक्स करके पापा बनाते हैं, बहुत ही इनका अलग ही रेसिपी है. क्या बोले? बहुत ही प्यारा सा रेसिपी होता है और ये खास करके बनता है जब तेरी मम्मी का फरमाइश होता है ना, तभी मैं बनाता हूँ. इसका कलर देखो, पहले कलर देखो, ये कलर तेरे को 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, सही बात है. इसमें क्या करते हैं ना कि चाय तो जैसे चाय बनता है वैसे ही चाय है एंड बट ये रेसिपी बताना नहीं है, बताना नहीं है, किसी और एपिसोड में होता है. किसी और एपिसोड में बताएंगे. सब देखो पहले टेस्ट कर ले, वहां पहले टेस्ट कर ले, पता चले मसाला ना पूछना पड़े. मसाला भी एक बार सिप मार के देख, एक बार सिप मार के देख. चाय एंड कॉफी, हाउ इज दिस? लिटिल में मिक्स्ड इमोशन आ रहा है, मतलब अच्छा बोलूं, बहुत अच्छा बोलूं. ना चाय का पता है ना कॉफी का? हाँ नहीं पता चल रहा है. लेकिन आपको कैसे पसंद आ जाता है यार वो चाय और कॉफी मिक्स? अरे नहीं बना के देते तो पापा ही बना के दे देते, लेकिन चाय कॉफी मिक्स क्यों करवा देते हैं, कितना गंदा लगता है. बहुत ही अजीब सा लगता है, मेरे को पसंद नहीं है, लिटरली बताऊं तो मेरे को पसंद नहीं. और ये जायज़ की बात है, सबको सब चीज़
पसंद नहीं आ सकता। हमारे चाचा जी का काम है, मतलब चला के छोड़ दिए हैं, वेस्ट कर रहे हैं पानी का। इनको नहीं पता कि हमारे जो फ्यूचर आने वाला है उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। नहीं मतलब इसलिए तो पानी के लिए ही होना है, जो डैम सारे कंट्री बना रखे है ना, वो सब घेर घेर के पानी रख रहा है। अगला जो वर्ल्ड वॉर होने वाला है वो पानी के लिए ही होने वाला है। सही बोले पापा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। चलो हमारा चाय ये रहा, मतलब चाय कॉफी दोनों मिक्स हमारा ये रहा। मैंने कितना इधर आऊं क्या हो गया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है कि भाई साहब मैंने इनके फोन मतलब भाभी के फोन से मैंने थंबनेल खींचा, वो थंबनेल ये लोग दे नहीं रहे यार। भाई दे दोगे तो कुछ चला जाएगा क्या, कोई किसी के इस्तेमाल में आ जाएगा तो खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, तीन बार रामदेव शिविर दूंगा तुझे, उसके बाद दूंगा। रामदेव शिविर नहीं देने दूंगा, बहुत पेनफुल है गाइस, लिटरली बता रहा हूं। तो कोरोना का जो वैक्सीन था ना उससे भी ज्यादा पेनफुल है, मतलब ये होता है और यहाँ पे पड़ता है ये ऐसे करके आवाज। तूने पूछा कि अगर अगर अच्छा हो तो पापा से मसाला पूछेगा? यस। वेल पापा तो मसाला बसाएंगे नहीं, तो कुछ नहीं बताएंगे मसाला। तो फिर क्या है? इंग्रेडिएंट ना बहुत ही स्पेशल है यार, तुझे डैड के सामने झुकना पड़ेगा। मम्मी बनाती थी मेरी चाय में कॉफी डाल के। आपको पसंद है चाय में कॉफी? हाँ। आपको पसंद है चाय में कॉफी? पसंद नहीं है मेरे को, बट मम्मी बनाती थी जब ये लोग कम चाय पत्ती रहता था और कम कॉफी रहता था, दोनों को मिक्स करके दूध में डाल के ये लोग। ये देखिए भाभी ने अपने सिर पे शिवलिंग डाल दिया, 7 दिनों तक ऐसे ही रखेंगे। जल पे जाने मेरे पास एक ना वो मशीन है कि 20 लीटर पानी का होता है ना, तो उसको पलट के पानी निकालते हैं ना, या फिर उसके जग में, तो एक मशीन है जिसमें बटन दबाएंगे वो पानी फेंकेगा। तो वही भाभी के इधर लगा देते हैं, एक लोटा में वो डाल के पानी डाल के उसमें वो मशीन चलाते हैं, वो पानी गिरता रह गए थे। आज दीदी का मतलब दीदी मतलब मेरी अपनी जो दीदी है उनका आज एनिवर्सरी है। सो दीदी अगर आप ब्लॉग देख रहे होंगे ठीक है, तो आपको ढेर सारी ढेर सारा हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अरे फोन आ गया, शायद फोन आ गया, कॉल पे बात कर रहे हैं। अरे मैं कॉल पे बात कर रही हूं, फ्री बताइए ले सबको, सब लाइन में सुन। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी एनिवर्सरी। Hey guys, तो आज है 2nd of June और 2nd of June काफ़ी खास है बिकॉज दो आदमी का एनिवर्सरी एक तरीके से हम मना सकते हैं। जनरली हम दीदी का मनाते हैं, दीदी और जिया जी का। तो 2nd June को ही उनकी शादी हुई थी और हमारा हुआ है, मेरा और अर्निक का 2nd of May को हुआ है। आज 1 month हो गए, जस्ट फॉर 1 month ऑफ टुगेदरनेस वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस। प्लस दीदी और जिया जी का जो मैरिज एनिवर्सरी वो हम आज मनाने वाले, दो केक आने वाला है और हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पे पंकज काफ़ी खुश है, मम्मी को हग कर रहा है, मुंह पे फेक एक्सप्रेशन दे रहा है। सो गाइस समझ लिए ना, मेरे को इतने टेक्स लेने के बाद मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था, जून मई जून 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 ऐसे कर रहा था, तो भैया ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो यही चीज़ है स्पेशल एंड देखते हैं कि क्या केक वगैरह सब। केक खाना पीना दिखाने का मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं रहता, बट थिंग इज़ के जब भी कुछ बढ़िया चीज़ बनता है ना, जो हमारी भाभी हमारी प्रिय हमारी जो भाभी बनाती है ना, लाइक ये देखो फ्राइड राइस बनाया बहुत ही प्यारा, एंड टेस्ट करने के लिए मेरे को होगा। जब तक एसी नहीं था तब तक इनको बहुत गर्मी, जब जैसे ही आज एसी ठीक हो गया लेकिन अब इनकी गर्मी चली गई। इसका इसका लाज क्या है, इसका मतलब वो क्या है, रहस्य क्या है माँ? पता नहीं, मैं गलत नहीं बोला, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। पापा का फोन आ गया, नहीं तो पापा भी बताते आपको। भैया भाभी रेडी हो चुके हैं एंड अपने को क्या है भैया, हम बस खाने वालों में से है कि जहाँ पे जो चीज़ हो, पार्टी हो या शादी हो, हमें बुला लो, हम खाने के लिए आएंगे। बट यहाँ पे कपल्स रेडी हो चुके हैं, लाइक हमारे हमारे प्रिय हमारे भ्राताश्री एंड हमारे प्रिय भाभी जी, दोनों के दोनों रेडी हो चुके हैं। सो अभी चलेंगे स्वागत के लिए, फूल बरसाया जाएगा। एक केक है भाभी एंड भैया का और एक केक है दीदी एंड जीजू का, तो दोनों केक आए हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? वी आर फीलिंग वेरी गुड, okay, this is only to make us very excited about the future that we will have guys। ये चलिए बहुत बढ़िया कंसर्न भाभी ने रेज किया है कि गिफ्ट कहाँ है।
एंड अब दीदी और जीजू का केक कटने वाला है प्रिंस एंड प्रीति ये रहना चाहिए अरे लाया जाए जी केक नहीं है भाई क्रीम है